दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जो आज बातचीत करने वाला हूं या मेरा आज का जो मुद्दा है वो हरियाणा की राजनीति को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो शायद अभी तक किसी ने नहीं उठाया है और इसे मैं आज उठा रहा हूं। वो क्या मुद्दा है? जजपा वर्सेज इनेलो या इनेलो वर्सेज जजपा, इनमें आने वाले चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में या लोकसभा के चुनावों में कौन किस पर भारी पड़ेगा? जजपा प्लस जाएगी पिछली बार की तरह या इनेलो पछाड़ देगी जजपा को और जाट समुदाय में, और इनेलो क्या अपना खोया हुआ जो उसका वोट बैंक था क्या उसको वो कवर करने में काबिल सफल हो पाएगी? तो ये हमारी आज की बातचीत का मुद्दा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो 2019 के चुनाव हुए हरियाणा विधानसभा के, तो उसमें दुष्यंत चौटाला ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, जननायक जनता पार्टी यानी जजपा, और उन्हें अप्रत्याशित रूप से 10 सीटें मिल गई, जबकि इनेलो मात्र एक सीट जीत सकी थी, वो भी अभय चौटाला अकेले थे जो 90 सीटों में से इनेलो को एक सीट जिता कर लाए थे। लेकिन इस बार इन दोनों पारिवारिक पार्टियों के बीच में कौन किस पर भारी पड़ेगा, हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरा इस पर मानना है कि जब 2014 के जो चुनाव हुए थे हरियाणा के, तो उसमें जहां भाजपा को 47 सीटें मिली थी, तो वहीं इनेलो को 19 सीटें मिली थी, यानी इनेलो के 19 विधायक जीत कर आए थे, कांग्रेस को भी पुछाड़ दिया था। विधानसभा में अभय चौटाला विपक्ष के नेता बने थे, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर लुढ़क गई थी 15 विधानसभा सीटों के साथ। तो उस चीज को भी हमें नहीं भूलना है, वो चीज भी आज भी लोगों के दिमाग में है। और जो मैं जो विचार रखने जा रहा हूँ वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनावों में 2019 में भाजपा बहुमत पाने में पीछे रह गई थी और 90 में से उसे 40 सीटें मिली थी और वो बहुमत से 6 सीटें पीछे थी। तो जो इस बार के जो चुनाव होंगे उसमें आपने देखना है कि भाजपा को उतनी सीटें जितनी पिछली बार विधानसभा चुनाव मिली थी, यानी 40 जो सीटें मिली थी, संभवतया मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, संभवतया उतनी सीट शायद नहीं मिलने जा रही हैं, क्योंकि कई तबके भाजपा के खिलाफ हैं, भाजपा राज से खुश नहीं है, और अभी अभी हाल में जो सांप्रदायिक दंगे मेवात में हुए हैं उसमें नू, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद चार जिले चपेट में आए हैं, इसका भी मैसेज प्रदेश की जनता में अच्छा नहीं गया है। और प्रदेश की कई खाप पंचायतों ने, जाट समुदाय की खाप पंचायतों ने और सर्व खाप पंचायतों ने जिसमें 36 बिरादरी शामिल होती है, उन्होंने बिल्कुल इस हिंदू मुस्लिम जो दंगे भाजपा कराना चाहती थी, ऐसा कहा जा रहा है, चूंकि उसके पास कोई मुद्दा हरियाणा में चुनाव जीतने का बचा नहीं है, तो वो फिर 80-20 का मुद्दा उठाकर या हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर वो ये आने वाला चुनाव विधानसभा का जीतना चाहती थी। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की खाप पंचायतों ने, 36 बिरादरी ने उनके इन मनसूबों पर एक तरीके से पानी फेर दिया है, लोगों का मानना है, खाप पंचायतों का मानना है, जाट समुदाय की खाप पंचायतों का मानना है, दलित पिछड़ों का मानना है,
और समझदार मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों का भी ये मानना है कि ये जानबूझकर दोनों समुदायों को भिड़ाकर प्रदेश का बहुत भारी नुकसान किया, भाईचारा ख़त्म किया गया है, जबकि सदियों से इकट्ठे रहते आए हैं। तो ये हुआ नहीं है दंगा, इसकी नींव पहले ही पड़ चुकी थी, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा था। बजरंग दल जैसे भाजपा के संगठनों ने, आरएसएस के संगठनों ने इसको हवा दी थी और जुनैद हत्याकांड से ये शुरुआत हुई थी, जो वर्तमान में पिछले दिनों नूह और मेवात में सारे गुड़गांव में जो सांप्रदायिक दंगे हुए वो उसी की नतीजा बताई जा रही है। पहल किसने की, दोबारा कौन आया, ये मुद्दा नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से हुआ, दोनों तरफ के असामाजिक तत्वों ने या राजनीतिक रोटियां सीखने वालों ने दोनों शांति प्रिय समाजों को आपस में भिड़ाने की कोशिश की, जबकि मेवात और हिंदुओं का बहुत भाईचारा है और जो मेवाती हैं वो हिंदू समाज का ही अंग रहे हैं। आज भी उनको ये माना जाता है कि वो भारी संख्या में जाट समुदाय से, राजपूत समुदाय से, वह अन्य गुर्जर समुदाय से जो हिंदू थे उससे ही मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे, यानी मेवाती बने थे, मेवाती मुस्लिम बने थे। तो वो भाईचारा इनका आज तक कायम है। कई लोग पुराने कहते हैं कि उनमें हुक्का का भी आज में संबंध है और वो इकट्ठे हुक्का भी पीते हैं क्योंकि उनके पुराने जातीय बंधु हैं। तो यहाँ पर हरियाणा के इतिहास में ऐसे दंगे कभी देखने को नहीं मिले और जिस तरीके से ये सारा दंगा कराया गया, पूरी खाप पंचायतें कह रही हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन कह रहे हैं कि ये सरकार का करा धरा है। मैं नहीं कह रहा, देख सकते हैं कि किस तरीके से समाज को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सरकार, भाजपा या हिंदू संगठन दोनों समाजों को भविष्य में भिड़ाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आम जनता ने तय कर लिया है कि हम इनके झांसे में नहीं आएंगे, अपने प्रदेश का भाईचारा नहीं तोड़ेंगे। और ये मैसेज जो भाजपा ने दिया है, जो अपने फायदे के लिए वो ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते, शायद जो हालात दिख रहे हैं वो इनके खिलाफ चला गया है। इन हालातों में यदि हरियाणा में भाजपा डूबती है तो फिर भाजपा के साथ जजपा भी डूब सकती है, ये दोनों ही सत्ता से बाहर हो सकते हैं। और उन हालातों में जानकारों का कहना है, राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इनेलो भारी पड़ेगी। और इसमें एक जो पक्ष बताया जा रहा है कि पहले अभय चौटाला अकेले थे, लेकिन अब बड़े चौटाला भी मैदान में हैं, ऊपर से अभय चौटाला की जो परिवर्तन रैली है उसका भी सकारात्मक प्रभाव बताया जा रहा है। तो ये मेरा आज का समीकरण था, मुद्दा था कि जजपा वर्सेज इनेलो। यदि मेरा ये आकलन सही हुआ, यदि मेरे ये विचार सही हुए, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो कुछ भी हो सकता है। और ये हो सकता है कि इस बार इनेलो चौंकाने वाले परिणाम दे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इनेलो की पार्टी और आगे बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंने समीकरण दिए हैं इनमें कुछ सच्चाई नज़र आती है। बाकी आप लोग विचार कीजिए कि मैंने कितना सही कहा है, कितना गलत कहा है, लेकिन ये मुद्दा है गर्म, जजपा वर्सेज इनेलो, और इन दोनों में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये आने वाले दिनों में सबको पता चल ही जाना है। आप लोगों की इस पर क्या राय है मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य, लोकसभा सीटों की संख्या कुल 10,
90 हैं इसमें विधानसभाएं और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मकूम।